Dear students, assalamu alaikum. This is me, Shahzad Mustafa, and you're watching Cool Education YouTube channel. Aaj ye armed force se related physics ka teesra lecture hai. Isme aapko part number 3 mein 15 most important MCQs bataye jayenge. Aur agar aapne AFNS test ki taiyari ke liye hamari online classes join karni hai to screen par diye gaye number par WhatsApp karke aap hamari classes join kar sakte hain aur wahan se apni taiyari kar sakte hain. इसके अलावा आपको प्रीवियस जो दो लेक्चर हुए हैं फिजिक्स के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं और उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको एएफएनएस की टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल पर बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, वो देख सकते हैं. और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे एएफएनएस कैडेट सेलेक्ट हो गए हैं तो उनके एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएंगे, वो भी सुन सकते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की. तो स्टार्ट करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स टू बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेट टू लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आइजक न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स दैट इज बोथ ए एंड बी. ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, बोथ ए एंड बी ऊपर वाले दोनों आंसर्स हैं. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा राइट अप इसका ठीक नहीं है, आप बहरहाल गूगल से सर्च करके भी देख सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. जी 9.8 है समथिंग, इस तरह की वैल्यू है, ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं एज इट इज. आप लोगों ने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट उठानी और गूगल सर्च कर लेना है, फिर आपने इसका सोल्यूशन भी देख लेना है. ये एमसीक्यूज जो है ना, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, 9.8 मीटर फी सेकंड है, तो आप इसको गूगल से देख लेंगे. तो ये ऑप्शंस हैं, ये राइट अप ठीक से नहीं है, इस वजह से आपको सही से नजर नहीं आ रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following force does not affect the gravitational force between two objects? Option number C correct है, volume of objects. इसी तरह जो next question है, वो आप देख सकते हैं कि if the distance between two objects is double, the gravitational force between them become. Option number B correct है, 1/4. इसी तरह next question है, the force of gravity on object is also known as. तो option number B correct है, weight. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस. तो ये भी ऑप्शन नंबर्स जो है ना, ये क्लियर सही तरह से राइट अप ठीक नहीं किया गया, इस वजह से आपको सही नजर नहीं आ रहे होंगे. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 9.8 मीटर फी सेकंड ये आप देख सकते हैं गूगल से एज इट इज, ही स्टेटमेंट आप सर्च कर सकते हैं. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इट आल्सो डबल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द मून वेयर द ग्रेविटी इज 1/61/61. इस तरह से ये कुछ अजीब सा राइट अप आपको नजर आ रहा होगा, तो ये आप देख लें, सिक्स अर्थ एज इट, ये स्टेटमेंट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सही से ऑप्शन मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा 1.67 न्यूटन. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच पी ई इज इक्वल टू एम जी एच पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, ये डबल डबल लिखा हुआ है तो एक है इनमें से, पी ई इज इक्वल टू एम जी एच पी, बस यही जो है ना ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस. इसी तरह वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वेट ऑन मार्स बिकॉज. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन केपलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the shape of orbit of planets around the sun according to the Kepler first law? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which plant has the strongest gravitational pull in our solar system? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, Jupiter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the gravitational force between two objects is directly proportional to. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, the product of their mass. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नॉन
contact force. Next question है, the mass of an object is measured in. Option number B correct है, kilogram. Next question है, an object is dropped from height. What happens to its gravitational potential energy as it falls? तो option number B है, it decreases. Next question है, if an object is moved to height twice a height, its gravitational potential energy. तो option number B है, double हो जाएगी वो भी. Next question है, which of the following best describe the orbit of satellite around the earth? तो option number B correct है. Next question है, what keeps the satellite in orbit around the earth? तो option number B correct है, earth gravitational force. Next question है, what is the term for the point in an orbit closest earth? तो option number B correct है. Next question है, what is the term for point in an orbit farthest from earth? Next, इसका जो answer है वो है option number A. Next question है, the escape velocity from earth surface is approximately, option number A correct है, 11.2 kilometer per second. Next question है, which of the following affects the gravitational force between two objects? Option number D correct है, all of the above. Next question है, what is the formula for work done? Work done के लिए कौन सा formula होता है use? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल. तो ये वाले जो अब एमसीक्यूज आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रेलेवेंट है, आपने इनको देखना है. द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी पास्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी. Which of the following the correct formula for kinetic energy? Kinetic energy का correct formula आपने Google से search out कर लेना. ये write up थोड़ा सा ठीक नहीं है. वैसे इसका जो correct answer है, kinetic energy is equal to 12 mv2 ke. अच्छा, next question ये है, what is the energy passed by an object due to position or highest called? Option number A correct है, potential energy. Which of the following is correct formula for potential energy? Potential energy का formula आपने Google से देख लेना है. The rate at which work is done is called power. That's a unit of power. Power ka aisa unit kya hota hai? Watt hota hai. Which of the following is the correct formula for power? Power ke liye correct formula hota hai work divided by time. Next question hai, what is the power of machine that does 1000 joule of work in 5 seconds? To iska option number A correct aayega, 200 watts. Next question hai, if an object is lifted to height of 5 meter, which type of energy is increased? ऑप्शन नंबर बी है, पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फ्रैक्शनल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टार्ट और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. द एबिलिटी टू डू वर्क इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनर्जी. व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद टेंपरेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थर्मल एनर्जी. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इफ 2 केजी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा के आपने आंसर निकाल लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन स्विंगिंग पेंडुलम इन्वॉल्व? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट इज गेन्स? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनर्जी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बर्निंग ऑफ वुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हिच व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी. तो जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के लिए. आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे. मजीद हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. और इसी तरह आपको ये नोट्स चाहिए तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस में आपको इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाई जाती है और एकेडमिक के जो ये नोट्स हैं ये आपको प्रिपेयर करवाए जाते हैं. एक्स्ट्रा चीजें भी सेंड की जाती हैं और डेली बेसिस पे टेस्ट भी होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.